नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ज़ायरा वसीम ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया है, उस पर कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया। मुमताज साहब, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ज़ायरा वसीम ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगर फिल्मी दुनिया की बात करें और जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो फिल्में देखते हैं, जिनकी उनकी दिलचस्पियां हैं, उनको यकीनन ये बहुत बड़ा झटका लगा है कि एक अच्छी अदाकारा वो फिल्मी दुनिया को अलविदा कह रही है। जहां तक सवाल ये है कि इसकी वजह क्या हो सकती है, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो उसकी खुद अपनी वजह हो सकती है। देखिए, जब वो फिल्मी दुनिया में आई थी तो वो बालिग नहीं थी, नाबालिग थी, बच्ची थी, और उसने दंगल में काम किया, एक बच्ची की हैसियत से काम किया। उसके बाद वो बड़ी हुई, हालांकि उस टाइम भी उसके ख़िलाफ़ जिस किस्म की बातें कश्मीर में होती थी, उसकी मुखालफत भी काफ़ी हुई थी, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा इस किस्म की बातें होती रही हैं, एतराज़ात उठते रहे हैं। ख़ास तौर से कश्मीर का जो माहौल है, वहाँ जिस किस्म का मजहबी माहौल है और मज़हब का लिबादा उड़ाने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ का भी अपने एक असर है। लेकिन अब जब ये अपना ज़ायरा वसीम जो है वो बड़ी हो गई है, बालिग हो गई है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी उसकी एक फिल्म आ रही है, और अब अगर वो कह रही है, तो हमें बजाय ये कि इसको कोई न्यूज़ बनाए ब्रेकिंग, ये देखना चाहिए कि क्या असबाब हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, और कोई ये ज़ायरा वसीम नहीं, गैर मुस्लिम लड़कियों ने, हीरोइनों ने भी कई बार फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी, ऐसी हैं बहुत सारी। तो ये कोई नई बात नहीं, ना कोई चौंकाने वाली बात है। हमें देखना चाहिए कि आखिर वो कौन से असबाब हैं, और ये चीज़ें अभी निकल कर के आएँगी सामने, बजाय ये कि हम ये कहें साहब कि वो डर गई, खौफजदा है, ये वो, ये भी हो सकता है, क्योंकि कश्मीर में जो माहौल होता है कि बम मार देना, चेहरा ख़राब कर देना, घर से ना निकलने देना, इस किस्म की चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, और ये भी एक वजह हो सकती है कि उनको इतना खौफजदा किया गया हो, इतना टेररिज किया गया हो कि उन्होंने छोड़ दिया हो। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हमने लंदन अमरीका में देखा है कि अच्छी खासी एक्ट्रेस जो है वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया और फिर सब कुछ छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, फिल्मी दुनिया भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर दो चार कामयाब एक्ट्रेस को निकाल दिया जाए तो बाकी की ज़िंदगी कैसी होती है आप देख लें। कई फिल्में भी इस पे बन चुकी हैं कि उनकी ज़िंदगी किस किस्म की होती है। शराब पीने लगती हैं हीरोइनियाँ, हीरोइनें जो हैं उस शराब पीने लगती हैं। आप देखिए कि उनकी ज़िंदगी, जब उनको फिल्में नहीं मिलती हैं तो वो गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। अक्सर आप खबरें पढ़ती होंगी कि वो कॉल गर्ल बन जाती हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, होती हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो है उन पर गालिब आ जाता है। तो अगर हो सकता है कि ज़ायरा वसीम को अच्छा रिश्ता मिल गया हो, हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर वो घर बसाना चाहती है, उसको अच्छा रिश्ता मिल गया हो, उसके माँ बाप ऐसा चाहते हैं, और उसके ये बात समझ में आ गई हो कि ठीक है, ये चकाचौंध की ज़िंदगी है, लेकिन बहुत दूर तक इस पर जाना ठीक नहीं है, और उसने एक अच्छा फ़ैसला लिया हो, तो इसको मैं समझता हूँ कि गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हर चीज़ को शक के दायरे में रख करके, शक के आईने में उसको नहीं देखना चाहिए। इसका एक निगेटिव पहलू भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ, कि हो सकता है उस पर इतना प्रेशर किया गया हो, क्योंकि कश्मीर का ये माहौल है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो दुनिया में हुआ है, कि उसको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि ये रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ उरियानियत ज़्यादा है, ये फिल्मी दुनिया जो है वो उसमें भटकाव ज़्यादा है। थोड़े दिन तक, यानी जब तक आप जवान हैं तब तक तो आपकी पूछ होती है, उसके बाद कोई पूछता नहीं है, फिर साइड रोल कर लीजिए, ये रोल कर लीजिए, डायरेक्टर के पीछे घूमते रहिए। ये फिल्मी दुनिया है, मुंबई में जो लोग हैं वो जानते हैं,
दो चार कामयाब लोगों को, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि दो चार कामयाब अगर हीरोइनों को देख लीजिए तो उसके बाद आप देखिए, इस पर पूरी एक फिल्म बन चुकी है, फिल्म बन चुकी है कि क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो डर्टी पिक्चर एक आई थी, आप लोगों ने मालूम नहीं देखा है कि नहीं, वो डर्टी पिक्चर में पूरा ये बताया गया है कि होता क्या है ये, और किस तरीके से वो एक हीरोइन जो है वो आसमान छूती है, और कैसे आसमान छूती है ये भी उसमें दिखाया गया है, और कैसे वो धड़ाम से गिरती है और फिर उसकी ज़िंदगी क्या होती है। और इससे पहले भी फिल्में ऐसी बन चुकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसको वहाँ जा कर के समझ में आ गया हो कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है और हमें जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, और वो कोई शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना चाहती है, ऐसा कुछ उसने फ़ैसला लिया है, तो मैं समझता हूँ कि उसको उसके फैसले पर रहने देना चाहिए, हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। जी मुमताज़ साहब, इस तरह का एक और मामला सामने आया था कि नुसरत जहाँ ने सिंदूर लगाया था और उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी है कि नुसरत जहाँ जो TMC से अभी मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब होकर के आई हैं मगरबी बंगाल से, उन्होंने अनिल जैन से शादी की, और शादी के बाद वो जब पार्लियामेंट आई तो उनके मांग में सिंदूर था और हाथों में चूड़ियाँ और जो टिकली वगैरह होती है, जो इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो वो ठीक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन देखिए, नुसरत जहाँ की आप स्पीच सुनिए, वो एक सेकुलर करेक्टर के साथ सामने आई हैं, वो हीरोइन है, वो कोई मजहबी घराने से नहीं आई हैं, और जो एक्ट्रेस होते हैं, जो इस किस्म के लोग होते हैं, चाहे जावेद अख्तर हो, चाहे शबाना आज़मी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, हाँ, या इस किस्म कबील के जो भी हों, आप उनको देख लीजिए कि उनकी ज़िंदगी क्या है। तो वो भी एक अच्छा मैसेज कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, लेकिन हम एक सेकुलर इंडिया में रहते हैं, हम जमहूरियत में रहते हैं। आप अगर उनका जो पहली तकरीर पार्लियामेंट में हुई है, दूसरा साहिबा, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो सवाल उठाए हैं सेकुलरिज्म के लेकर के, मतलब अच्छे सवाल उठाएँ, कटघरे में खड़ा किया है नरेंद्र मोदी को। तो अगर कोई देखिए, हर हिंदुस्तान जो है वो एक हमारा बहुत सारे कल्चर से बंधा हुआ है, बहुत सारी यहाँ तहजीबें हैं अलग अलग सेक्टर्स में, आप UP में जाएँ शादी ब्याह के अलग रवायतें हैं, निकाह छोड़ दीजिए तो बाकी चीज़ें सब हिंदुस्तानी होती हैं, आप केरला में जाएं साउथ में तो वहाँ अलग है, मगरबी बंगाल, तो इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए सिंदूर लगा लिया, अच्छा फिर उन्होंने शादी भी किसी मुस्लिम फैमिली से तो की नहीं, किसी आलिम से अगर वो कर लेती और फिर ऐसा करती तो ये सवाल उठता, अनिल जैन से उन्होंने शादी की है, किन टर्म एंड कंडीशन में की है ये जानना चाहिए, तमाम चीज़ें, हर चीज़ को मैं समझता हूँ क्यों इशू बना दिया जाता है। अगर कोई अपने तौर पे ज़िंदगी गुजार रहा है तो ठीक है, वो गुजार, उसको गुजारने दीजिए, जब उसको जो सही लगेगा वो अपना फ़ैसला कर लेगा, आप अपनी फिक्र कीजिए। जहाँ तक इसमें यह है कि अभी अतुल कुमार अंजान जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा मुफ्ती मुकर्रम ने बयान दे दिया कि गैर शरई है। देखिए, जब आप मुफ्ती से किसी पूछेंगे सवाल, कोई भी हो, जर्नलिस्ट हो, तो मुफ्ती तो इस्लाम की रोशनी में ही बात कहेगा, और इस्लाम की रोशनी में बिल्कुल सही बात है, इस्लाम में जायज़ नहीं है कि आप बेपर्दा रहें, इस्लाम में जायज़ नहीं है कि आप मांग में सिंदूर लगाएं, हैं, इस्लाम में जायज़ नहीं है कि आप गैर मुस्लिम से निकाह कर लें, हो ही नहीं सकता, जब तक वो ईमान नहीं लाएगा निकाह नहीं हो सकता है। तो अगर इस कैटेगरी में देखेंगे, आप अगर किसी मौलवी से पूछेंगे तो मौलवी क्या इस्लाम के ख़िलाफ़ बयान देगा, क्या कैसे जायज़ करार देगा? एक मुफ्ती जो है उसके सामने जब आप सवालनामा लेके जाएंगे तो क्या जवाब देगा? आप किस तवक्को में जाते हैं? आप यही तो तवक्को करते हैं कि वो मुफ्ती जो इस्लाम का फॉलोवर है इस्लाम की रोशनी में जवाब दे। तो या तो आप इसलिए जाते हैं कि खबर बन जाए, तो जो मुफ्ती है, जो आलिम है, वो शरा के ख़िलाफ़ तो बयान देगा नहीं, वो तो ये कहेगा कि ये चीज़ें हैं साहब और ये इस्लाम है। कुछ लोग, जैसे मैं आपको बताऊं एक मिसाल, और मैं अक्सर कहता हूं, कुछ औरतें जो है नकाब ओढ़ करके आरती उतार रही हैं, भगवान की आरती उतार रही हैं, हनुमान जी की आरती कर रही हैं, तो वो आरती करें, लेकिन अगर शरई एतबार से आप देखेंगे तो जैसे ही आपने किसी मूर्ति की आरती उतारी आप इस्लाम से खारिज हो गए। अब इसको इशू बनाया जाए कि साहब इस्लाम से नहीं, इसमें
किसी मुफ्ती आलिम किसी की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी फतवे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ला के मतलब है नहीं के, नहीं है कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो जब ये इस्लाम ये कहता है कि नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के, तो अगर आपने जैसे ही शिर्क किया आप इस्लाम से खारिज हो गए, उसमें न किसी मौलाना की ज़रूरत है, न किसी मुफ्ती की ज़रूरत है, न किसी आलिम की ज़रूरत है, ये खुली हुई बात है। जैसे एक गेम होता है ना कि आप अगर पाला आपने आपका छू गया वहाँ पे, आप आउट हो गए, होता है ना गेम ये। तो जैसे ही आप इस्लाम के खिलाफ आपने काम किया आप दायरे इस्लाम से बाहर हो गए। देखिए अब आप चाहे नंगा नाचिए, चाहे आप मूर्ति को घर पे ले आइए, मूर्ति को गले लगा लीजिए, सजदा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है, आप इस्लाम में है ही नहीं, आप खारिज हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इशू बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मतलब ये है कि न्यूज़ चले कैसे, पानी का मसला ना उठाया जाए, किसानों का मसला ना उठाया जाए, नौजवानों का मसला ना उठाया जाए, रोज़गार का मसला ना उठाया जाए, तो ये सारे जो इतने अहम मसाइल हैं मुल्क के, इनको दरकिनार करने के लिए क्या उठाया जाए, तो ट्रिपल तलाक उठा दिया जाए, हाँ ज़ायरा वसीम को उठा लिया जाए, हाँ इनको उठा लिया, भाई क्या ज़रूरत है किसी को जाने की। इसको इशू न बनाया जाए, और हर चीज़ का अपना दायरा है, हर चीज़ की अपनी हदें हैं, और उन हदों में रह करके इंसान को, देखिए अगर आप शिनाख्त मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। शिनाख्त जो है वो बाकी रहना चाहिए। गुलदस्ते में अगर कमल का फूल है तो गुलाब का फूल भी है, चमेली का फूल भी है, आप क्यों चाहते हैं कि दो पत्ती उसकी और दो पत्ती उसकी, और ये अच्छा नहीं। अपनी अपनी शिनाख्त के साथ, देखिए अगर शिनाख्त मिट गई तो फिर वो मज़ा नहीं आता है गुलदस्ते में। तो जो मुसलमान है उसको ये फ़ख्र करना चाहिए कि मुसलमान है और हिंदुस्तानी है, जो हिंदू है उसको फ़ख्र होना चाहिए कि हाँ हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं, जो सिख है उसको फ़ख्र होना चाहिए कि हम सिख हैं और हिंदुस्तानी हैं, तब एक अच्छा गुलदस्ता बनता है। हिंदुस्तानी कहने में, भारतीय कहने में, ठीक है कोई अल हिंदी हमें कहा जाता है, हमें फ़ख्र महसूस होता है। हम जब बाहर जाते हैं, हमने कई मुल्कों का दौरा किया है, और वहाँ हमें ये बताने में अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि आप हिंदुस्तानी, यस आप भारतीय, बिल्कुल हम भारतीय हैं, हैं हम वहाँ ये नहीं बताते कि मुसलमान हैं, नहीं हम ये बताते हैं कि भारतीय हिंदुस्तानी हैं, पहले यही बताया जाता है। वहाँ कोई नहीं पूछता पहले कि आप मुसलमान हैं क्या हैं, नहीं वहाँ ये पूछा जाता है आप कहाँ से हैं, हम हिंदुस्तान से हैं। अच्छा आप हिंदुस्तान हैं, इंडियन हैं, यस आई एम इंडियन। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी ये पहचान है, और इस पहचान में एक ये है कि हम मुसलमान भी हैं, हम सिख भी हैं, हम हिंदू भी हैं, तो उसी शनाख्त के साथ अगर वो रह रहे हैं तो ये यही अच्छी चीज़ है। आप सबको घाल में न कर दें, पांच कलर हैं, छह कलर हैं, अगर सबको आपने मिला दिया तो बनेगा क्या, क्या बनेगा उसमें, कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए अलग अलग रंगों के साथ, और फिर उन रंगों को जब सलीके से मिलाया जाता है, तब देखिए फिर वो रंग क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन अगर उनको मिला दिया जाता है ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं बनता है उसमें, कुछ नहीं बनता है। तो इसलिए जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना रंग उतना ले करके, और आप जो है हिंदुस्तान बनाइए, हिंदुस्तान की तस्वीर बनाइए। जी मुमताज़ साहब, इस तरह की बातें क्यों सामने लाई जा रही हैं, इसी पर क्यों अहम इश्यूज बनाया जा रहा है, इसके अलावा भी तो और इश्यूज हैं, फिर इसी क्यों इशू बनाया जा रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल, ये देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसके अलावा भी मसाइल हैं, इसके अलावा मसाइल हैं, उन मसाइल को उठाया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि हमारे सामने रोज़गार का बड़ा मसला है। आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के 80% गाँव जो है वो सूखे में। वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो मशीनें लगा के पानी निकालते हैं नाजायज़ तरीके से उनको रोका जाए, हैं, और सबके घर घर पानी पहुंचाया जाए, ये एक अच्छी बात है। तो अगर इस किस्म की, देखिए जो मन की बात वज़ीर आज़म ने की है, वाकई अगर उस पर अमल हो जाए तो इतना अच्छा हो जाए, मैं आपको बता नहीं सकते, हैं। लेकिन मुझे हैरत ये है कि वज़ीर आज़म जो बात कहते हैं उस पर अमल क्यों नहीं हो पाता, कहाँ कहाँ परेशानी है,
झगड़ा लड़ाई हो रही है, टीवी का एजेंडा कुछ है, पीएम का एजेंडा कुछ है, हमारे मंत्रियों का एजेंडा कुछ है, आरएसएस का एजेंडा कुछ है, बीजेपी का एजेंडा कुछ है, मुस्लिम तंजीमों का एजेंडा कुछ है। अरे भाई, ये अलग अलग एजेंडे से कैसे मुल्क तरक्की करेगा? कम से कम एक मुस्बत एजेंडा सामने जो हो उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें होशियार रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए, हाँ, कि जो तरक्की की जो रफ्तार शुरू हुई है उसमें कोई रोकने ना पाए। लेकिन नकवी साहब, आप ही के लोग तो हैं, कहीं लिंच कर रहे हैं, कहीं मार रहे हैं, कहीं झगड़ा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आप ही को करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर अमल हो, कार्रवाई होती है, यकीनन कार्रवाई होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में वो रिहा कर दिए जाते हैं, उनको फूल मालाएँ पहनाई जाती हैं, उनके हौसले फिर बड़े हो जाते हैं, वो समझते हैं कि मैं तो हीरो बन गया, हो सकता है अगली बार टिकट मिल जाए, हो सकता है मैं मंत्री बन जाऊँ, यही तो हो रहा है। अगर उसको जेल 20 साल की हो जाए, चार लोगों को आप 20 साल की जेल कर दीजिए, फिर देखता हूँ कौन गौ रक्षक आ रहा है और कौन राम भक्त आ रहा है। मैंने एक दिन ये बात कही थी उस साहब, आपको याद होगा कि भगवान राम को हनुमान जी ने कहाँ दिखाया था? क्या कोई मंदिर बना के दिखाया था क्या? हाँ, क्या कोई आसमान पे चढ़ के दिखाया था क्या? नहीं, उन्होंने अपने सीने में दिखाया था, अपना सीना जो है चाक किया, फाड़ा, कहा ये देखो सीताराम हमारे दिल में बसे हुए है। कोई राम भक्त ऐसा जो सीना फाड़ के दिखा दे कि ये है राम? क्योंकि उसके सीने में राम नहीं है, माफ़ कीजिएगा, उसके दिमाग में राम है। वो झगड़ा चाहता है, उसके नाम से अपना फ़ायदा चाहता है। सारी लड़ाई जो है वो माल हासिल करने की है कि कैसे जल्दी जल्दी बिल्डिंग बना लें, कैसे जल्दी नाम कमा लें, क्योंकि इससे अच्छा रास्ता नहीं आज की तारीख में। अगर आपको हीरो बनना है और मीडिया में हाईलाइट होना है तो गलत बयान दे दीजिए आप, बस अच्छे बयान में आपकी पूछ नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ ही नहीं बनेगी। अभी अगर मैं हूँ, मैं मुमताज़ आलम रिजवी, अभी 5 ईंट लेके निकल चलूँ कि जा रहा हूँ राम मंदिर की तामीर करने, अभी देखो पूरा ओबी वैन जो है हमारे घर के नीचे आ जाएगी। तो क्या है कि इस तरीके की चीज़ें, और उसमें निगेटिव भी, फिर कोई मुफ्ती फतवा भी दे देगा, कोई पंडित जो है वो हमारे आ जाएगा, साहब वाह देखिए कितने अच्छे ही मुसलमान हैं, हाँ जा रहे हैं, मतलब ये क्या ड्रामा है भाई, क्या ये हो रहा है? अहम इशू पे बात करो। तो आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि हमारे सामने किसानों के मसाइल हैं, हमारे सामने रोज़गार के मसाइल हैं, हमारे सामने और बहुत सारे मसाइल हैं, उन पे बात करें। मुल्क को हमें तरक्की करानी है, मुल्क को हमें आगे ले जाना है, तो इन टिटबिट्स में न पड़े, बिल्कुल न पड़े इन टिटबिट्स में। हमें जो है सही बात करनी चाहिए, और जो मीडिया एजेंडा तय करता है, माफ़ कीजिएगा, ये मीडिया भी बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, इनकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, इनको लोग अब नहीं देखेंगे, बहुत सारे टीवी बंद हो गए, कोई टीवी भी नहीं देख रहा है, तो इसलिए अब इनकी भी ज़िंदगी नहीं है, तो अब इनका भी एजेंडा, इनकी भी दुकान बंद होने वाली। जी मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MNC News India और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।